Kann ich auch? Dann deine? Okay. Das ist mein Freund Lucy. Wie geht's, Lucy? Gut, danke. Wie geht's dir? Auch gut, danke. Und wir gehen zum Freising, ja? Okay. Girls, die out, ja? Nur Mutters. Assalamualaikum, क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे. हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं. ये ब्लैक फ्राइडे था, यहाँ पर सेल लगती हैं ये सुना था. तो आखिरी दिन था तो हमने सोचा कि जो है वो इस तरह कर लेते हैं कि बच्चों को जो है वो हस्बैंड मेरे घर में देख रहे थे और मैं अपनी इस फ्रेंड के साथ गई थी कि चेक करने मार्केट में कि आया ये वाकई कोई सेल है, कुछ थोड़े से मिल रहा है कुछ जो है वो, तो वो ले लेंगे. हमारा प्लान था कि हम रोज़मान जाएँगे और केक जाएँगे ये शलूटा हलन में, और चलें आप भी मेरे साथ साथ चलें. मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊँ. और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि मैं इधर YouTube में शेयर करने लगी हूँ, वो ये कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान जा रहे हैं. तो सोचा कि चलें ये ब्लैक फ्राइडे से शायद कोई हम लोग बेनिफिट ले सकें और देखें कि अगर कुछ मिलता है तो ले लेते हैं. आगे पाकिस्तान भी जाना है तो उसकी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं. तो सोचा कि चलें. अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की सेहतें थोड़ी बेहतर हैं और वह घर में जो है वो हस्बैंड के पास थे और मैं जो हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम भी थोड़ा था तो बच्चों के साथ फिर बंदा इतनी अच्छी तरीके से देख नहीं सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता. तो मैं जो हूँ ये इसके साथ आई थी. हम सिर्फ ये दो, उसकी एक और फ्रेंड भी थी, हम तीन जो है ना वो थे. और हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो बेसिकली वो कह रही थी कि एक जगह पे ये रोज़मान में और केक में हम देखते हैं. लेकिन मैं सच्ची बताऊँ कि मुझे सच सेल की कोई ऐसी चीज़, मतलब महंगाई शायद बहुत ज़्यादा हो गई है जर्मनी में, कि ऐसा जो है वो सेल नहीं थी जो प्राइस जितनी, अगर सेल के बाद भी वो उतनी की थी जिस तरह के नॉर्मल सी थी ना. मतलब वजह यही है कि कोरोना की वजह से और हर तरफ हालात जो यूरोप में हैं तो हर तरफ महंगाई हो गई है. इवन खाना भी जो है वो पहले जिस तरह से मिलता था उससे महंगा, एसन भी महंगा हो गया. तो ऐसा जो सेल थी 20% या 40% या 50% भी, उसके बाद यानी जो चीज़ें, मतलब वो या तो वो लोग ले गए थे, हम आखिर में गए इसलिए इस तरह से हमें नहीं मिली, लेकिन कुछ ख़ास नहीं मिल सका. तो 3-4 घंटे हम लोगों ने सर्च की. केक जो है यहाँ से आपको अच्छे सस्ते कपड़े जो हैं वो मिल सकते हैं. ये आप देख रहे हैं कि मैं केक में ही देख रही थी कपड़े वगैरह. केक में जो है वो देखें 3-3, 4-4 यूरो के आपको मिल जाते हैं. लेकिन वही बात है कि इतने कोई ख़ास नहीं थे और जो है वो जो पसंद आते थे वो थोड़े महंगे होते थे तो सेल में नहीं होते. तो कुछ ये चक्कर था तो मैं कुछ ले नहीं पाई केक से. और अलबत्ता रोज़मान में, मैं आपको जो जर्मनी में रहते हैं उनको बता दूं कि मुझे इससे पहले नहीं पता था कि रोज़मान में जो है वो परफ्यूम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं. तो अगर आप लोग जो हैं वो परफ्यूम्स लेना चाह रहे हैं तो वो रोज़मान से जो है वो आप लोग ले सकते हैं. और यहाँ पे देखें क्रिसमस की डेकोरेशन और वो सब चीज़ें थी सस्ती. हम लोगों ने तो खैर क्या लेनी थी, हम इंशाल्लाह क्रिसमस के टाइम पे इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया तो पाकिस्तान में होंगे. तो खैर उसकी जो है वो ये रोज़मान है और इसके साथ ही केक है. ये शूटा हलन के अंदर जो है ये पूरा केले के एक मॉल था. इसमें खाना पीना भी और डिफरेंट इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी और डिफरेंट जो है वो आउटलेट्स थी वहाँ पर. और वो जो है वो हमने जो है चेक किया. लेकिन रोज़मान से फिर जो है मुझे उमर का जो है वो ट्राई, हमने सोचा कि उमर घर में है, बच्चे घर में हैं तो चले उनके लिए जो है वो ये वेट करें होंगे. पहली बार ऐसा हुआ है कि जर्मनी में जब से मैं आई हूँ मैं बच्चों के बगैर पहली बार ऐसे बाहर निकली हूँ अकेले. तो हमेशा बच्चे साथ होते हैं या फिर हम घर में होते हैं. तो ये पहली बार ऐसा है, ऐसे देख के लग रहा होगा कि जैसे बहुत लेकिन ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ. ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं बच्चों के बगैर ऐसे निकली थी. तो मैं खुद भी मिस करने लगी थी. ये देखिए अब रात हो गई थी और हम लोग जो है फिर इसके बाद वापसी का सफ़र शुरू हुआ. जल्दी से हम लोग घर आ गए. 3-4 घंटे हम लोग को लग गए थे, रश बहुत ज़्यादा था. तो वापस मैं उमर के लिए टॉय लाई और बच्चे खुश हो गए. और ये था हमारा डे आउट. कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. ईमानिल्लाह.